नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में जल्द ही बालू की बहार लौटने वाली है, क्योंकि बालू की महंगाई से परेशान आम जनता को अब बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जी हां, महंगाई की मार का सामना कर रहे आम लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। खासकर उन लोगों के लिए ये खबर बेहद ही खास और बड़ी होने वाली है, जो लोग रियल एस्टेट या फिर निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार में बालू की कीमत अब पहले से भी कम होने वाली है। जी हां, आपने सही सुना। बिहार के नीतीश सरकार ने प्रदेश के उन बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो अब तक के टेंडर प्रक्रिया में नहीं थे। इससे राज्य में बालू की कीमत नीचे जाने की पूरी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। बिहार राज्य खनिज विकास निगम ने बचे हुए लगभग 100 बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये बालू घाट पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई, लखीसराय, सारण, अरवल, बेतिया, बक्सर, बांका और किशनगंज जिलों में है। विभागीय जानकारी के अनुसार बिहार खनिज विकास निगम की तैयारी जून से पहले इन बालू घाटों में खनन का काम शुरू कर देने की है, जिससे NGT के आदेशों के तहत बालू खनन पर रोक से पहले की अवधि में ही इसे पूरा कर लिया जाए। इन बालू घाटों पर खनन के कारण मांग के मुताबिक बालू बाजार में उपलब्ध हो सकेगा। इससे कीमतों में कमी के आसार जताए गए हैं। नीलामी के लिए चुने गए ये वो बालू घाट हैं, जो पहले की नीलामी में किसी क्लस्टर के तहत नहीं आ पाए थे। वहीं नीलामी से बचे रह गए अधिकतम बालू घाट अवैध खनन के शिकार हैं। इस कारण वहां पर बालू माफियाओं का शिकंजा भी कसा जा रहा है। ये लोग बालू की कालाबाजारी के पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहे हैं। सभी घाटों पर वैध बालू खनन शुरू हो जाने से इन पर भी अंकुश लगाना अब आसान होने वाला है। बालू की किल्लत का एक और कारण नदियों की बालू भराई की क्षमता का आकलन नहीं होना है। यही कारण भी है कि बिहार की नीतीश सरकार नदियों की बालू भराई की क्षमता का भी अध्ययन करवाने जा रही है। जानकार मान रहे हैं कि अगले साल से नीलामी कराने के लिए ये बेहद ही जरूरी है। सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो जाए तो NGT के नियमों का पालन भी किया जाना है। बिहार में वर्तमान समय के बालू खनन प्रक्रिया की बात करें तो बिहार में बालू का खनन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हो रहा है, जिसके बाद अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर है। ऐसे में आगे अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट बालू खनन के लिए इसी आदेश को अगले साल तक के लिए एक्सटेंड करती है या नहीं, या NGT के आदेश के अनुपालन के बाद इस पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि नदियों के बालू घाटों की पर्यावरण रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया भी बिहार में जोर शोर से चल रही है। बिहार में बालू की किल्लत की खबरें भी लगातार आती रही हैं। बालू की कमी ही कारण है कि बिहार में बालू की कीमत लगातार आसमान छू रही थी और कालाबाजारी भी बढ़ गई थी, जिससे निर्माण कार्य तो प्रभावित हुआ ही, साथ ही बालू का कारोबार कर रहे कारोबारियों पर भी महंगाई का पहाड़ टूट गया था। हालांकि बालू विक्रेताओं और सरकार के बीच चल रही खींचतान पर अब इस नए फैसले के बाद विराम लगता नजर आ रहा है। इसके साथ ही इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।